नमस्कार दोस्तों, आप सभी कुलदीप यादव को दुनिया भर के सबसे खतरनाक गेंदबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए मुकाबले के बारे में। इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने जबरदस्त तरीके से जीता, मस्त तरीके से जीता और सुनील नारायण की आपको बयान भी सुनाएंगे। सुनील नारायण ने इस मुकाबले में लाजवाब बल्लेबाजी किए, शानदार बल्लेबाजी किए, जो 81 रनों की पारी थी उनके बल्ले से। और देखिए इस मुकाबले में किस प्रकार से मैच का पासा वो पलटे थे सुनील नारायण। आखिरकार मैन ऑफ द मैच बनते ही रो पड़े सुनील नारायण और धोनी और गौतम गंभीर पर, जो का सुनकर आप सभी करोगे सलाम। आपको बता दें इस मुकाबले में ताबड़तोड़ वाले बल्लेबाजी सुनील नारायण की, जो 81 रनों की पारी उनके बल्ले से थी वो काफ़ी ज़्यादा कमाल थी, काफ़ी ज़्यादा लाजवाब थी। लेकिन दूसरी तरफ से आपको बता दें इस मुकाबले में केकेआर की तरफ से शानदार वाले बल्लेबाजी थी और इस मुकाबले में उनके अलावा कोई अच्छे बल्लेबाजी ना किए। लेकिन रमनदीप सिंह ने इस मुकाबले में 6 गेंदों में 25 रनों की पारी के लिए, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पारी उनके बल्ले से थे। और देखिए इस मुकाबले में छक्कों की बरसात कर दिए थे सुनील नारायण इस मुकाबले में। और सुनील नारायण कह रहे हैं धोनी और गौतम गंभीर के लिए इस मुकाबले में हम अच्छे खासे पारी खेले हैं, क्योंकि केकेआर को जिताने के बाद अपने टीमों को क्वालिफाई कराना है और क्वालिफाई कराने के लिए अपनी जी जान लगा दिए। ये होती है टीमों के लिए सही रणनीतिक, सही अप्रोच, जो अपने टीमों के लिए कुछ भी हम करने के लिए तैयार रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आई होप इन अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो अच्छे लगे जरूर से वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।